दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सीता का घर और यहाँ पर अभी सुबह का समय है। यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और फिर तभी यहाँ पर शिवम जाग जाता है और खेलने के लिए बाहर आने लगता है। ये खेलना खेलना ये खेलना खेलना माधुरी माधुरी के साथ खेलना माधुरी माधुरी खेलना कुची 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 ये खेलना बाहर खेलना खेलना। और फिर यहाँ पर शिवम बाहर खेलने के लिए जाने लगता है। यहाँ पर माधुरी भी शिवम के पीछे पीछे जाने लगती है। चलो माधुरी चलो खेलेंगे चलो माधुरी खेलेंगे। और यहाँ पर शिवम और माधुरी खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर और शिवम और माधुरी दोनों गांव से बाहर खेलते खेलते चले जाते हैं। ये खेलना हुर्रे हुर्रे घर घर वापस जाना घर जाना माधुरी घर जाना घर जाना। और फिर तभी यहाँ पर शिवम को अपना घर याद आता है, लेकिन वो दोनों रास्ता ही भूल जाते हैं। घर घर मम्मी मम्मी के पास जाना। और फिर यहाँ पर बेचारा शिवम जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी 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 के पास जाना घर घर जाना। और यहाँ पर माधुरी भी इधर उधर देखने लगती है। यहाँ पर माधुरी को भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। वो दोनों यहाँ पर रास्ता भूल गए हैं। माधुरी ले चलो घर हमारे बाजार में भी ना पता नहीं इतना ज्यादा महंगाई क्यों बढ़ गया है। लगता है दूसरे गांव ही जाना पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। चलो जल्दी जल्दी जाती हूँ, नहीं तो लड्डू के पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज फिर से लेट कर दिया तो मैंने। अरे अरे ये क्या, अरे ये प्यारा बच्चा किसका है, यहाँ पर क्यों अकेले बैठा है। चलो पूछती हूँ। अरे प्यारे बेटे क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है, अकेले नहीं रहते हैं रास्ते में। यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक लगता है ये बच्चा अकेला है। चलो एक बार फिर से पूछती हूँ। अरे बेटा बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर रहते हैं, तुम कहाँ से आए हो। घर जाना घर। और यहाँ पर शिवम जोर जोर से रो रहा होता है। मम्मी मम्मी। अरे ये बच्चा तो बहुत ज्यादा छोटा है, लगता है इसके पर तो बोलना भी नहीं आता है। ये तो बस खाली मम्मी कहना जानता है। अब मैं क्या करूं, इसको अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकती हूं मैं। अब मैं क्या करूं क्या करूं, इस बच्चे को कहां लेकर जाऊं। अरे प्यारे बेटे आ जाओ तुम मेरे पास में, रो मत ठीक है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर औरत शिवम को गोदी में ले लेती है। अरे मेरे प्यारे बच्चे तुम रो मत, बिल्कुल भी ठीक है ना, चिंता मत करो। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कुछ तो बता सकते हो मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगी। अरे लगता है सच में इस बच्चे पर बोलना नहीं आता है, तो बहुत ही छोटा बच्चा है और देखो तो कितना प्यारा गोल मटोल बच्चा है। लेकिन इतना सुंदर बच्चे को ऐसे कोई कैसे छोड़ सकते है, मुझे लगता है बच्चा अनाथ है। अब मैं क्या करूँ, मैं इसे तो अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकती हूँ। अरे हाँ मैं काम करती हूँ, पास वाले अनाथ आश्रम में ही से वहाँ पर छोड़ देती हूँ, वहाँ पर कोई अच्छी फैमिली से अडॉप्ट कर लेगी, बहुत ही प्यारा बच्चा है ये तो। चलो बेटा तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ कर आती हूँ। अरे ये गैया इसके साथ ही है क्या बच्चे के। अरे नहीं बच्चा तो अकेला ही है, लगता है गैया इसके पास में खड़ी थी। अरे गैया तुम भी अपने घर पर चली जाओ ठीक है ना। चलो मैं तुम्हें मिस बियाना के आश्रम में छोड़ कर आती हूँ। और ये है बच्चों का अनाथ आश्रम। अरे बच्चों बच्चों आराम से खेलो, आराम से झगड़ा मत करो। अरे बेटा आराम से खेलो, लड़ाई नहीं करते हैं ठीक है ना, आराम से खेलो। अपना खिलौना मत तोड़ना, नहीं तो नया खिलौना बहुत ही दिन बाद आएगा। चलो इधर जाकर देखती हूँ, वैसे खाना तो मैंने बना लिया है, यहाँ पर सारे बच्चे आराम से ही खेल रहे हैं। चलो अच्छा है। सारे बच्चों में बहुत ही प्यार है। और यहाँ पर औरत भी शिवम को लेकर अनाथ आश्रम पहुँच जाती है। अरे बेटा देखो हम लोग अनाथ आश्रम पहुंच गए हैं, देखो यहाँ पर तुम्हारे जैसे ढेर सारे बच्चे हैं और कितने मजे से खेल रहे हैं, तुम भी यहाँ पर बहुत ही खुश रहोगे। चलो मैं मिस बियाना को बुलाती हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा कहाँ पर चला गया, यहीं पर तो सो रहा था वो। मेरा फूल सा बच्चा आपने देखा है क्या अंजलि दीदी। अरे नहीं राम, अगर मैं देखती तो मैं जरूर ही बताती तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ ऐसा थोड़े ही ना करती। शिवम मेरे भी तो बेटे जैसा ही है ना, मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है शिवम को। अरे अब मैं कहाँ पर ढूंढूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने घर का एक एक खोना छान मारा और आसपास पड़ोस के घर पर भी मैं सब जगह पर देख कर आया हूँ, लेकिन शिवम कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। अरे राम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं रास्ते से आई लेकिन देखो मुझे फिर भी शिवम नहीं दिखा। अगर वो मुझे दिखता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, बल्कि उसे अपने साथ ही लेकर आती।
अरे हाँ अंजलि दीदी, आप पता कीजिए अपने आस पड़ोस में भी, ठीक है ना? अरे हाँ राम, मैं चलती हूँ। अच्छा पता करके तुम्हें बताती हूँ, कहीं पर पता चलता है तो। अरे सीता जी चलिए चलिए, हम दोनों भी जल्दी से मिलकर पोस्टर लगा देते हैं सब जगह। हमारा प्यारा बेटा कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? अरे शिवम के पापा, मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। मेरा प्यारा बच्चा कहाँ पर चला गया? मेरे बगल में ही सो रहा था, मैं क्या करूँ मेरा प्यारा बेटा। शिवम बेटा तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर वापस आ जाओ। अरे सीता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे हर जगह से खोज निकालूंगा। अगर वो यहाँ पर नहीं मिला तो मैं आस पड़ोस सभी गाँव में जाऊँगा, ठीक है ना? अरे हाँ राम जी, हमें अपने बेटे को ढूंढना ही होगा, हमारा इकलौता बेटा है। अब चलिए जल्दी से जाकर पूरे गांव में पोस्टर छपवा देते हैं और लगा भी देते हैं। और यहाँ पर नीलू और सारे बच्चे दीवार पर पोस्टर लगा रहे हैं। अरे बच्चों जल्दी जल्दी पोस्टर चिपका दो सब जगह, हमारा शिवम पता नहीं कहाँ पर चला गया है। अरे हाँ मम्मी, हम लोग लगा देंगे पोस्टर और देखने शिवम मिल ही जाएगा। चलो चलो दूसरी दीवार पर भी लगाती हूँ। हे भगवान, बस शिवम को कुछ मत होने देना। बच्चा कहाँ पर चला गया है शिवम? चलो मैं जाकर दूसरी दीवार पर भी पोस्टर लगाती हूँ। सोना चटपटी सब लोग सारे पोस्टर चिपका दो। और ये चलो ये वाला पोस्टर भी लगा देती हूँ। चटपटी थोड़ा ग्लू गम दो। और ये दीदी ये लीजिए, जल्दी से लगा दीजिए। अच्छा ये बात है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ लाओ मुझे इस बच्चे को दे दो, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। अरे हाँ मिस बियाना, आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, कोई अच्छी फैमिली से अडॉप्ट कर लेगी जल्द ही। अरे हाँ हाँ बहन, आप सही बोली हैं, लाई लाई दीजिए मुझे इस बच्चे को। अच्छा मिस बियाना, मैं चलती हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा, अब आपकी जिम्मेदारी है ये। चलो मैं तो चलती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, चलो मैं इसे सब लोगों से मिलवा देती हूँ। अरे बेटा देखो देखो, तुम्हारे जैसे यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं और सब लोग खेल रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा, फिर तुम्हें अच्छी फैमिली अडॉप्ट करेगी। देखो कितने सारे बच्चे हैं, चलो हेलो बोलो। हेलो दीदी। अरे वाह बच्चा तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लगता नहीं है कि अनाथ है। ये खेलना खेलना। अरे हाँ हाँ बेटा तुम यहाँ पर खेलो अच्छे से, सारे बच्चे इसका ध्यान रखना है, तुम्हारा ही भाई है। चलो मैं चलती हूँ जल्दी से। यहाँ पर सारे बच्चे जल्दी जल्दी दीवार पर पोस्टर लगाने लगते हैं। अच्छा ये बात है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ लाओ मुझे इस बच्चे को दे दो, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। अरे हाँ मिस बियाना, आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, कोई अच्छी फैमिली से अडॉप्ट कर लेगी जल्द ही। अरे हाँ हाँ बहन, आप सही बोली हैं, लाई लाई दीजिए मुझे इस बच्चे को। अच्छा मिस बियाना, मैं चलती हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा, अब आपकी जिम्मेदारी है ये। चलो मैं तो चलती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, चलो मैं इसे सब लोगों से मिलवा देती हूँ। अरे बेटा देखो देखो, तुम्हारे जैसे यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं और सब लोग खेल रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा, फिर तुम्हें अच्छी फैमिली अडॉप्ट करेगी। देखो कितने सारे बच्चे हैं, चलो हेलो बोलो। हेलो दीदी। अरे वाह बच्चा तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लगता नहीं है कि अनाथ है। ये खेलना खेलना। अरे हाँ हाँ बेटा तुम यहाँ पर खेलो अच्छे से, सारे बच्चे इसका ध्यान रखना है, तुम्हारा ही भाई है। चलो मैं चलती हूँ जल्दी से। अरे चलो अच्छा हुआ मैंने उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। लड्डू के पापा को मैं समझा दूंगी कि मुझे कैसे लेट हो गया। अरे अरे ये क्या है, किस चीज का पोस्टर है? अरे तो किसी के लापता होने का पोस्टर है, शिवम लापता। अरे आखिर कौन लापता हो गया इस गांव से, मैं तो दूसरे गांव आई हूँ। शिवम लापता, शिवम लापता। अरे ये क्या, सब जगह यही पोस्टर लगे हुए हैं। अरे कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, क्या ये वही बच्चा तो नहीं है जिसे मैं आश्रम छोड़कर आई हूँ? अरे नहीं, लगता है मैंने बहुत ही गलत कर दिया है। चलो आगे जाकर देखती हूँ, आखिर क्या पता ये वही बच्चा हो, देखती हूँ आखिर किसका बच्चा है। यहाँ से बहुत ही शोर की आवाज आ रही है, चलो जाकर देखती हूँ आखिर क्या बात है। अरे ये क्या, इतनी सारी भीड़ जमा है यहाँ पर, तो लगता है मैंने ही कुछ गलत कर दिया है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये क्या, शिवम लापता। अरे लगता है ये तो वही बच्चा है, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, मुझे लगता है बच्चा इन्हीं का है, चलो एक बार पूछती हूँ। अरे भाई साहब, मैं बहन जी, आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग ये किसका पोस्टर ले रहे हैं, आखिर कौन लापता हो गया है? अरे बहन जी, मेरा बहुत ही छोटा सा बच्चा है, वो बहुत ही देर से लापता है, सुबह जब मैं उठी तो मुझे नहीं मिला, मेरे घर पर नहीं था वो, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पर चला गया है, आपने देखा है क्या, क्या एक छोटे से बच्चे को? अरे हाँ बहन, मैंने एक छोटे बच्चे को तो देखा है, लेकिन वो क्या बच्चा आपका ही हो सकता है मुझे नहीं पता, वो बहुत ही मोटा सा गोलू सा बच्चा था और उस पर अभी अच्छे से बोलना भी नहीं आता था,
अरे क्या बहन, आप सही बोल रही हैं क्या? आपने कहाँ पर देखा? लगता है वो मेरा ही बेटा शिवम होगा। उस पर अभी अच्छे से बोलना भी नहीं आता है। उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अरे हाँ हाँ बहन, उसने पिंक कलर के ही कपड़े पहने थे और पिंक कलर की ही टॉपी पहन रहा था। अरे सच में तो फिर शिवम ही? अरे बहन आपने कहाँ पर देखा, प्लीज मुझे बताइए। अरे बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, उस बच्चे को तो मैं अनाथ आश्रम में छोड़कर आई हूँ, अभी दूसरे गाँव। आप लोग उसे वहाँ से जाकर ले आइए। अरे आपने मुझे बताया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप हम लोग लेकर आ जाएंगे। अच्छा बहन ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। चलो चलो चलती हूँ जल्दी से। अरे शिवम के पापा नीलू दीदी, चलिए चलिए जल्दी से लेकर आते हैं शिवम को। अरे हाँ हाँ चलो चलो सीता चलते हैं। स्वेटी और चटपटी तुम दोनों यहीं पर रहो राम अंकल के पास में। चलो चलो मैं जल्दी से मम्मी और सीता आंटी के साथ चली जाती हूँ, और यहाँ से सोना भी सीता के साथ चली जाती है। अरे दीदी जल्दी से चलिए, ये लगता है यही वो आश्रम है। अरे हाँ सीता, अरे कहाँ पर है हमारा शिवम? अरे अरे वो देखिए दीदी, वो रहा शिवम, वहाँ पर खेल रहा है। शिवम बेटा देखो तुम्हारी मम्मी आ गई है। ही मम्मी ही मम्मी मम्मी ही। अरे हाँ शिवम बेटा आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। और फिर यहाँ पर मिस बियाना भी जल्दी जल्दी आने लगती हैं। अरे मैडम आप कौन है, इस बच्ची को कहाँ पर लेकर जा रही हैं? क्या आपको ये बच्चा अडॉप्ट करना है? आई एम सॉरी मैडम जी, ये बच्चा मेरा ही है, मैं इसे लेने आई हूँ, ये गलती से यहाँ पर आ गया है। अरे आप क्या बोल रही हैं, ये बच्चा तो आज ही आया है यहाँ पर, ये आपका बच्चा नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रही हैं, मैं कैसे यकीन मानूं? अरे मैडम जी मुझे उन्होंने ही बताया जो यहाँ पर इस बच्चे को छोड़कर गई थी, हम सुबह से इसे ढूंढ रहे थे। प्लीज ये मेरा ही बच्चा है, इसे जाने दीजिए। आपने देखा ना कितनी जल्दी मुझे देखते ही आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ये आपकी शक्ल से बहुत ज्यादा मिलता है वैसे तो। हाँ आपका बच्चा बहुत ही प्यारा है सच में, अगर आप आज ही ना आती तो इसे कोई ना कोई अडॉप्ट कर ही लेता। अरे हाँ हाँ बहन जी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब हम लोग चलते हैं, आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा। अच्छा ठीक है बहन, जाइए जाइए, अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा, इसे मत छोड़ना ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो मैं चलती हूँ, मेरा प्यारा बेटा शिवम। दीदी दीदी चलिए चलिए हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर सीता शिवम को लेकर जाने लगती है। अरे वाह यहाँ पर बच्चों के कितने ज्यादा मजे आ रहे हैं, काश मैं भी यहाँ पर ले पाती, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ले सकती हूँ, क्या पता मुझे कोई सी फैमिली लेकर चली जाए। चलो चलो मैं तो भागती हूँ यहाँ से, बाय बेटा। और यहाँ पर सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।